गाइज आपको बताएं कि एशिया कप के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। तो आइए जानते हैं 17 सदस्यीय टीम में किन किन खिलाड़ियों को जगह मिली है। गाइज आपको बताएं कि एशियाई क्रिकेट का महासंग्राम यानी एशिया कप 30 अगस्त से खेला जाना है और इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है बीसीसीआई ने 2023 एशिया कप के लिए अभी 17 सदस्यीय टीम का चयन किया है। गाइज 2023 एशिया कप के लिए भारत की टीम में सीनियर लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और तेज गेंदबाज उमरान मलिक को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सैमसन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम के साथ जोड़ा जाएगा। एंड गाइज मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया में विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल और सुरेश अय्यर की वापसी हुई है। दरअसल गाइज केएल राहुल और सुरेश अय्यर चोट से जूझ रहे थे, लेकिन अब दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हैं। बता दें कि आईपीएल 2023 सीजन के दौरान आखिरी बार केएल राहुल मैदान पर नजर आए थे। आपको बताएं कि आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वो पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे। बहरहाल केएल राहुल और सुरेश अय्यर की वापसी से टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफी मजबूत नजर आ रहा। तो गाइज 2023 एशिया कप के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम को आइए देखते हैं, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। तो गाइज ये हो गए 2023 एशिया कप के लिए भारत के 17 प्लेयर्स। तो गाइज आपको बताएं कि 2023 एशिया कप का आगाज 30 अगस्त को होने वाला है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा। वहीं टीम इंडिया 2023 एशिया कप में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को खेलेगी और एशिया कप का फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला जाएगा। तो गाइस क्या आपको एशिया कप 2023 का इंतजार है तो कमेंट में जरूर बताएं। गाइस अगर आप लोग स्पोर्ट्स की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। ओके गाइस आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।